छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में हिंदू युवा मंच के द्वारा श्री पाटेश्वर धाम मंदिर बालोद को वन विभाग के द्वारा नोटिस दिया गया है। आपको बता दें कि मंदिर निर्माण को अतिक्रमण की श्रेणी में आंका जा रहा है, जिससे लोगों में रोष है। बता दें कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विख्यात श्री पाटेश्वर धाम मंदिर बालोद जिले के लोहारा ब्लॉक में स्थित है, जहां हजारों भक्त श्रद्धालु एवं दर्शनार्थी आस्था के साथ आते हैं। विगत 40 से 50 वर्षों से यह स्थल भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। श्री पाटेश्वर धाम मंदिर के निर्माण को अतिक्रमण की श्रेणी में मानते हुए दुर्ग वन वृत्त के बालोद वन मंडल अधिकारी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। श्रद्धालु एवं आम जनता में इस नोटिस को लेकर दुख व्याप्त है। यहाँ बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अतिक्रमण है तो कितने वर्ष से वहां पदस्थ वन विभाग अधिकारियों ने कभी किसी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की। यदि ये अतिक्रमण है तो वहां पदस्थ सभी स्तर के अधिकारी अतिक्रमण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं। उन सभी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। वन विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस से हिंदुओं की आस्था एवं विश्वास को ठेस पहुंची है, क्योंकि इस नोटिस को श्रद्धालु सही नहीं बता रहे हैं, जिसका विरोध भी किया जा रहा है। डोंगरगढ़ से संवाददाता अमरीश टांडिया की रिपोर्ट। हम यहाँ पर पाटेश्वर धाम के विरुद्ध जो कार्रवाई सत्ताधारी दल द्वारा की जा रही है उसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि पाटेश्वर धाम के गुरु श्री बालक दास जी ने सदैव ही हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। हम सब ये अनुरोध करते हैं सत्ताधारी दल से, और साथ ही हम ये ज्ञापन यहाँ पर महामहिम राज्यपाल जी के नाम से सौंप रहे हैं कि इस पर उचित कार्रवाई करें और यथासंभव इस कार्रवाई को रोक करके हिंदू धर्म को बचाने में। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.